हे मेरे भगवान शिव, काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें उसके दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना। हे मेरे महादेव, हम सब आपकी ही तो संतान हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें, वीडियो को लायक जरूर करें। मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि, प्रकृति आदि, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। इस बार सावन 22 जुलाई से शुरू हुए हैं और 19 अगस्त तक चलेंगे। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। यशोदा मां ने भी पहनाया था। श्री कृष्ण को काला धागा, शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूट धन और नौ निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर गरीब, फकीर गरीब, निर्धन, जात पात, ऊंच नीच, अनपढ़ अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती हैं। काला धागा उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन सभी लोग पहनते हैं। काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़े हैं तो बीच में आप काला धागा तुरंत पहने। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं सबूत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधनी बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्वत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली भी बताती है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वो किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। तुलसी की मंजरी से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं और उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। 7.5 और शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी।
इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णो के द्वार जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरी धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। ये काला धागा हमें तब प्राप्त होता है, हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं, तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता, जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती हैं, और फिर परिवार में अशांति छा जाती है, और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। ये नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलें। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है, इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजपाट विशेष धन प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है, काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियां से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है, या फिर थोड़ा सा वो तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है, और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बढ़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। लेकिन याद रहे, सावन में ही यह करना है। आपको धन विषयक समस्या हो,
कार्य में अड़चने आती हों, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें, फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करें, काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल ले लें, फूल माला ले लें, चुनरी ले लें और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा ले लें जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाएं तो पुजारी जी को प्रसाद दे दें और वहां पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहें, यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है, काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा। काला धागा, माता के चरणों से मिला काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। दुश्मन भी आसपास नहीं भटकता। नजर दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्या बताते हुए काले धागे में 7 गांठे लगाएं। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठे लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उसार लें। उसारते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में ये बांध सकते हैं। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दीवार पर घिसकर इसके कई हिस्से कर लें और परिवार में सभी को बांध दें। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनिदोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अब अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं ये धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधे, आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में द्वार पर ही नकारात्मकता हो तो उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए जो घर का द्वारा होता है वहां पर सकारात्मकता आने के लिए काला धागा तो भैया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिछौने पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फिट नीचे आढ़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और हां, मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूलें। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी कमर पर कंधनी जरूर बांधनी चाहिए। कैसे बांधना है वह हम आपको बताएंगे और क्या फायदा है यह भी बताएंगे। सावन समाप्त होने से पहले जरूर बांधें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों के कंधनी आखिर कमर पर क्यों बांधी जाती है और बांधना क्यों है जरूरी। देखिए, छोटे शिशु जो होते हैं अक्सर उन्हें जब वह बड़े होते हैं हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है। यह सब नजर दोष के कारण होता है। जब हमारा बच्चा स्वस्थ होता है, मोटा होता है, हेल्दी होता है तो लोग उसके प्राइवेट हिस्से को भी देखते हैं जिसके कारण उसके जो अंडकोश होते हैं वह नजर लगने के बाद, नजर दोष के बाद फूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है।
जो कि जिसको हम इंग्लिश की भाषा में हाइड्रोसील कहते हैं, यहां तक कि वेरिकोसिल भी हो जाता है। और शिशु जब बड़ा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह दौड़ नहीं सकता, पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हो सकता, मिलिट्री फोर्स में भर्ती कभी नहीं हो सकता, रनिंग भी करने लायक नहीं रहता, उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा जरूर बांधना चाहिए, जब तक कि शिशु ठीक से बढ़ा ना हो जाए। महीने से लेकर 4 साल तक की उम्र तक बच्चों को काला धागा या कंधनी अवश्य बांधना चाहिए। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, बच्चे की कमर पर कंधनी या काला धागा जरूर बांधना चाहिए। हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की होती है कंधनी। आप कंधनी नहीं बांधना चाहते हैं तो काला धागा जो सिद्ध होता है किसी भी पुजारी जी से ले आएं, उसमें आप एक कौड़ी बांधें और बच्चे की कमर पर बांध दें। ये बहुत ही शुभ होता है, इससे कोई नजर नहीं लगती और उनके जो अंडकोश होते हैं स्वस्थ रहते हैं, शरीर बलवान और हेल्दी हो जाता है, उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, ये उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शानैश्चर्य नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है ये। कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हों, ये आपको उसमें से उभार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं। वहां एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो ये उपाय जरूर करके देखें और सारे दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंके। दोस्तों, इसके अलावा काला धागा वाहन पर बांधने से काली नजर दूर रहती है और किसी तरह की दुर्घटना होने का भी डर नहीं रहता है। गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं होता। सावन का महीना है तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब साथ हो महाकाल का, आप एक बार सच्चे दिल से अपनी गाड़ी पर काला धागा बांध कर देखो। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर शर्त यह है कि वह काला धागा आप किसी मंदिर से लेकर आएं, काली माता के मंदिर से लाएं या हनुमान जी के मंदिर से लाएं। अक्सर गाड़ी चलाते समय नजर लग जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बचने के लिए गाड़ी पर सिद्ध करा हुआ काला धागा जरूर बांधना चाहिए। काला धागा बांधने से आपकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होगी और गाड़ी यदि एक्सीडेंट हो जाएगी, टूट जाएगी, तब आपको एक खरोच भी नहीं आएगी। मान्यता है कि पैर में काला धागा पहनने से शनि ग्रह दोष दूर होता है और आंख की रोशनी मजबूत होती है। यह जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता। इसके अलावा पेट संबंधी परेशानी भी पैर में धागा पहनने से दूर होती है। इससे कब्ज, लूज मोशन जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। यह मेटाबॉलिज्म मजबूत करता है। वहीं हाथ में या फिर कलाई में काला धागा पहनने से सफलता मिलती है। इसके अलावा पेट में पहनने से स्तन, पेट से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती हैं। यह मोटापे को भी कंट्रोल करता है। सुहागिन महिला का मंगलसूत्र किसी कारणवश खराब हो गया है या गले में आपने धारण नहीं किया है, तो उसकी जगह आप सिद्ध करा हुआ एक काला धागा पहन सकते हैं। मंगलसूत्र की तरह ही काम करता है काला धागा। माता काली के द्वारा से लेकर आए एक काला धागा और सुहागिन महिलाएं अपने गले में धारण कर लें। इससे मंगलसूत्र के ना होने का दोष आपको नहीं लगेगा, बड़ा ही शुभ होता है काला धागा। मंगलसूत्र में भी काला धागा ही लगा होता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लायक जरूर करें।